Hi everyone, this is आज हम बात करने वाले हैं एक नई स्किंग स्पीशीज की जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है एक तरह की लिज़ड ही है ये जिसके बारे में हम बात करेंगे छिपकली आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब देखिए एक नया जीनस और स्पीशीज जो है स्किंग का रिसेंटली उसको डिस्कवर किया गया बेसिकली ये जो लिजट की स्पीशीज़ है काफ़ी सीक्रेटिव और अंडरग्राउंड रहती है और बहुत ज़्यादा आपको कॉमनली ऐसे देखने में नहीं मिलेगी बिकॉज़ दे आर वेरी सीक्रेटिव और अंडरग्राउंड रहते हैं तो ये जो नया जीनस है स्पीशीज़ है इसकी स्किंक की इसको रिसेंटली इन्होंने देखा टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अरुणाचल प्रदेश में जो एक रिसर्चर्स की टीम थी इसमें जो रिसर्चर्स थे वो इंडिया के भी थे रशिया के भी थे उन्होंने इसको अनअर्थ किया ज़मीन में देखा कि एक अननोन ग्रुप ऑफ लिजर्ड्स जो है फैमिली ऑफ किंग्स की अरुणाचल प्रदेश में है तो ऑब्वियसली अननोन था इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि नई डिस्कवरी ही आप इसको बोल सकते हैं कि नया जीनस जो है वो आइडेंटिफाई किया है प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं जनवरी में ऑलमोस्ट ये न्यूज़ सामने आई थी ये जो नया जीनस है इस और ये जो स्पीशीज़ है प्रोटोब्लीफेरिस आपातानी ये इसका नाम रखा गया है साइंटिफिक नेम है इसको अंडरलाइन करेंगे या फिर हम इसको इटालिक्स में लिखेंगे इसको उसी टीम ने ढूंढा है जिन्होंने पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की थी जैसे सालाजार पिट वाइपर और इस तरह के स्पीशीज स्नेक्स और लिजर्ड्स के बहुत सारे इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इस स्टेट से अरुणाचल प्रदेश से और ये जो स्नेक्स और लिजर्ड्स हैं ये इनको एक्सपीडिशन 2019 में जब ये इस तरह का एक्सपीडिशन कर रहे थे तब इन्होंने डिस्कवर किए थे तो इस तरह से स्किंगस लिजर्ड्स जो हैं या स्किंग्स हम इनको बोलेंगे आपको ये दिखती हैं प्रोटोलो प्रोटोब्लीफारिस अपातानी ईस्ट हिमालयन स्किंक इसको कहते हैं अपातानी बेसिकली एक ट्राइब है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, ये ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में रहती है जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है ये एक नई डिस्कवरी uh, है बट बहुत पुरानी लीनज है एबलफेरिन स् की ईस्टर्न हिमालय से तो इस तरीके से इसको ढूंढा गया और इसका पेपर जो है वो जर्नल में छपा है अब स्किंक्स जैसे मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड ड्वेल करते हैं ग्राउंड ड्वेलिंग है साइज में छोटी सी लिजर्ड्स हैं ये मोस्टली और बहुत एक्टिवली मूव करती हैं लीफ का जो नीचे लीफ गिरता है ड्यूरिंग द डे उसके ऊपर ये बहुत ईजीली मूव करती हैं और uh, आप इनको केमोफ्लाज भी करेंगे लीव्स में कई बार पहचान भी नहीं पाएंगे कि कोई लिजट चल रही है कोई स्किंक मूव कर रही है आपको दिखेगा इलोंगेटेड ऐसे लंबी सी इनकी बॉडी रहती है ग्लॉसी शाइनी इनकी स्किन है और लेग्स बहुत ही छोटी सी हैं शॉर्टर लेग्स हैं ये जो लेजर्स हैं छोटी हैं बट दे आर वेरी एक्टिव यूजली डार्क ब्राउन कलर होता है इनका और फेंट ऐसे लाइट लाइट स्ट्राइप्स जो हैं वो आपको इनकी बॉडी पर दिखेंगी और शाइनी शाइनी स्केल्स इनके रहते हैं अब इनकी जो इलोंगेटेड बॉडी है इस तरह की यू you नो know, थोड़ी सी स्नेक जैसी शाइनी लॉन्ग बॉडी जो है रिलेटिवली स्मॉलर हैं अदरवाइज बाकी से कंपेयर करेंगे लेग्स भी इनकी या तो बहुत छोटी हैं या तो है नहीं है नेक आपको इनकी क्लियरली दिखेगी ग्लॉसी स्केल्स इनमें नज़र आएंगे और ये ऑब्वियसली किस में आते हैं रेप्टाइल्स में आते हैं स्किंग्स आर कॉमन रेप्टाइल्स वैसे आपको नॉर्मल जो बाकी के स्किंग्स हैं घरों में ईस्टर्न हिमालयस में यहाँ पे दिखेंगे गैरेजेज में भी दिखेंगे ओपन स्पेसिस में भी दिखेंगे प्ले में बट दे यूजली लिव अंडरग्राउंड या फिर अराउंड लेक्स भी आपको मिलेंगे अब ये कॉमन रेप्टाइल्स हैं और प्रोमिनेंट रोल इनका इकोसिस्टम में क्या है देखिए वैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे ये फीड करते हैं बट इनके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इनके ब्रीडिंग हैबिट्स का नहीं पता इकोलॉजी का नहीं पता बिकॉज इनकी आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुश्किल है देखने में बहुत एक जैसी लगती हैं तो कंफ्यूजिंग है जब तक हम इसको लैब में कंफर्म नहीं करेंगे कि कोई नया स्पीशीज़ है तब तक नहीं पता चलता राइट तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस स्पीशीज़ के साथ आती हैं इस तरह के एनिमल के साथ आती हैं बट इनके कैरेट्रिस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताए उसमें ये बहुत अलर्ट हैं बहुत अलर्ट रहती हैं ऐसा लेजी नजर नहीं आएंगी एक्टिव एंड अलर्ट और बहुत तेजी से चलने वाली और उसके बाद फीड अगर करेंगे छोटे छोटे स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स पे अब जो इनके रिड्यूस्ड लिम्स हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं है वो इनको मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है जैसे स्नेक्स मूव करते हैं उस तरीके से ये मूव करेंगी जिससे लोगों को लगता है कि शायद ये ख़तरनाक हैं विनोमस हो सकती हैं जहरीली हो सकती हैं और लोग इनको कई बार मार भी देते हैं इसलिए क्योंकि जिस तरह ये सांप की तरह चलती हैं क्योंकि इनकी लेग्स नहीं हैं एकदम मूव करेंगी एक्टिवली तो लोगों को लगेगा शायद जहरीली हैं और इस, इस आ, इसी प्रॉब्लम की वजह से इनको कई बार लोग मार भी देते हैं अब ये जो स्पीशीज़ अभी फ़िलहाल इन्होंने आइडेंटिफाई की है एक्सक्लूसिवली टले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाई जा रही है ईस्ट कैमेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वहाँ पे एलिवेशन 1800 हंड्रेड टू टू मीटर्स तक है वहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया गया है जब फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे और इसका रिकमेंडेड इंग्लिश नेम यानी अंग्रेजी में इसका नाम अपतानी ईस्ट हिमालयन स्किंक जो है वह रखा गया है ऑन द नेम ऑफ डेडिकेटेड टू द अपतानी ट्राइब अब ये जो टीम है इन्होंने इसको पहले तो कोई भी नई स्पीशीज डिस्कवर होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी जिसके बाहर के कैरेक्टर्स हैं जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं उनको कंपेयर किया जाता है कि ये कोई पुरानी स्पीशीज ही तो नहीं है सिर्फ शायद कलर चेंज है या सब पॉपुलेशन है उसका राइट तो पहले टीम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंपेयर करती है फिर दूसरा स्टेप होता है कि हमें लैब में भी कंफर्म करना है तो वो कैसे होगा जेनेटिक लेवल पे स्टडी करके यानी उसके डीएनए को कलेक्ट करके स्टडी किया जाता है फिर उसके स्कल फीचर्स देखे जाते हैं उसके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए तो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो थे अरुणाचल स् के वो अलग थे लेकिन बाद में यू you नो know, एक कंपैरिजन जो है एडिशनल डीएनए एन डेटा हमको चाहिए था और डीएनए एन डेटा मिला रशियन रिसर्चर्स के थ्रू और फिर ये पता चला कि हाँ ये एक नई स्पीशीज़ है अब इस नई स्पीशीज़ को मैं आपको बार बार बता रही हूँ अपतानी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली में उसके नाम पर रखा गया है क्योंकि ऑथर्स ने ये क्रेडिट आपतानी ट्राइब को यू you नो know, यहाँ पे एक्नॉलेज किया ऑनर किया है बिकॉज वो कहते हैं उनकी हेल्प से उनकी सपोर्ट से उनकी हॉस्पिटैलिटी से जब तक वो टैले वैली में रहे तो लोगों ने उनको बहुत वेलकम किया उनकी हेल्प की तभी वो ये डिस्कवरीज़ जो हैं वो कर पाए इसलिए उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम आपतानी ट्राइब पर रखा गया है तो यहाँ पर हिंदू में भी आप ये न्यूज़ देख सकते हैं Uh, इस तरह की ये पहले जो मैं बता रही हूँ सेम टीम है जिसने कुछ स्नेक्स को अः uh, यहाँ पे डिस्कवर किया था अब देखिए जितने भी माउंटेन फॉरेस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के काफी थ्रेटेड हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे बाकी बात से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायोडावर्सिटी को काफ़ी स्टडी किया जा रहा है कि जितना स्टडी करेंगे उतने अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हमको कैसे कंजर्वेशन करनी है अबदानी ट्राइब के बारे में ये जो ट्राइबल ग्रुप है मैं आपको बता चुकी हूँ ज़ीरो वैली में रहता है लोकल लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं जिसको तानी बोलते हैं सन और मून को ये लोग वर्शिप करते हैं उसकी पूजा करते हैं और ये अपने आ, रोजगार के लिए या यूजुअली किस तरह का एग्रीकल्चर चलाते हैं सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम उसको बोलते हैं उसको ये फॉलो करते हैं मेजर फेस्टिवल्स इनके हैं प्रेयर्स हार्वेस्ट के टाइम पे काफ़ी ये इनके जो मेजर फेस्टिवल्स रहते हैं ह्यूमन काइंड हर एक ह्यूमन काइंड प्रॉस्पर करे इसलिए फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए मयो को तो ये इनके कुछ फेस्टिवल्स हैं अपतानीज जो हैं एक्वा कल्चर भी करते हैं यानी आप देखेंगे एक्वा कल्चर के साथ साथ राइस फार्मिंग एक्वा कल्चर पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें हम फिशेज़ और मरीन या रिवर एनिमल्स जो हैं जिनको हम खा सकते हैं उनको ग्रो किया जाता है आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में या फिर किसी भी तरीके से इसको हम एक्वा कल्चर बोलते हैं या एक्वा फार्मिंग भी बोला जाता है राइस फिश कल्चर इस वैली का बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस है स्टेट की अब दो क्रॉप्स हैं राइस के मिपिया इम्हो और एक क्रॉप है फिश का निघी इनको साथ में ही रेज किया जाता है तो दिस इज अ वेरी यूनिक कल्चर ऑफ अपतानी ट्राइब अपतानी जो ट्राइब्स हैं दिस इज कैड्यूल्ड ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश और यूनेस्को ने तो ये भी प्रपोज किया था कि अपतानी वैली जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जाए फॉर इट्स हाईली एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी और उनका इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का बहुत ही यूनिक तरीका है तो हम हमेशा आपको एक वे फॉरवर्ड में एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को प्रिजर्व करने की बात करें तो लोगों का रोल वहाँ पर कभी ना भूलें कॉम्यूनिटीज़ का रोल वहाँ पर कभी ना भूलें और एग्जाम्पल के लिए आपतानी आप ट्राइब का नाम ले सकते हैं क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम जिस तरह से ये फॉलो करते हैं राइट right? तो यही एक नई स्पीशीज़ थी जो यहाँ पे ढूंढी और ऑनर करने के लिए उसका नाम आपतानी पे क्यों रखा गया ये भी मैंने आपको बताया और भी मेजर ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की आपतानीज हो गए अबोर दाफला गलोंग मोम्बा शेरदुकपेन सिंगफो नईशी मिशमी इदू तरोन तागिन आदि मोम्पा वांचो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेजर ट्राइब्स हैं अब क्वेश्चन है आपके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिबलेस लिजट जिसके लिम्स नहीं होते लिम्स हो गए आपके हाथ पाँव हो गए ना तो वो नहीं होते हेमी डाक्टलस कैमिलियन एंग्वेस फिर नोसोमा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में आंसर जानने के लिए कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन कोर्सेज ई एम आई पर अवेलेबल हैं और किसी भी कोर्स पर डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड वीरो थ्री थ्री यूज़ कर सकते हैं इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ आपको मिलेगा थैंक यू सो मच